असलम माय नेम में शारे सीमा आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मकान सॉल्यूशंस। बहुत से क्लाइंट्स की तरफ से सवाल आता है कि अभी करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आए कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो रेजिडेंशियल फाइल्स हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में आई हुई हैं वो बाय कर लें या कमर्शियल प्लाट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो, वो डाउन आए हुए हैं उनको बाय किया जाए या फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो कमर्शियल प्लॉट हैं जो नेगेटिव में आए हुए हैं वो बैक करें देखें जब आप अभी इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी आपको कंसीडर करनी चाहिए दैट इज द द द करंट इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान वी आर स्टैंडिंग एट लोएस्ट राइट इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए कि फाइल्स में अभी वो पोटेंशियल नहीं है जो कि पिछले कुछ सालों में जो है वो देखने को मिला लाहौर स्मार्ट सिटी की एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है कि लोगों ने जो है वो थर्टी लाख फोर्टी लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट की थी रेजिडेंशियल फाइल्स में कमर्शियल फाइल दे गॉट 60 लाख 70 लाख रुपीस रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट जो कि अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट्स की सिचुएशन और करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो वैसी नहीं है जो कि पहले हुआ करती जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्री पॉइंट है दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग इसकी मैं दो तीन एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह की प्रोडक्ट्स में जो है वो आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए देखें जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप एक केनाल का प्लॉट लेते हैं कैबिटे स्मार्ट सिटी में आज उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज एक करोड़ रुपये है और अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं उस प्लॉट प्लॉट को जो है वो ऑल ड्यूज क्लियर करके जो है वो ले लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर वो दो सालों में तीन सालों में उसी प्लॉट की वैल्यू जो है वो एक करोड़ बीस एक करोड़ तीस तक चली जाती है इट डस नॉट मीन्स कि आप उसको जो है वो सेल आउट कर दें और 10% और 15% का जो है वो रिटर्न आफ्टर थ्री इयर्स है वो लेके एग्जिट कर दें इसका मतलब है कि आप अगर एक प्रोडक्ट बाय करें और उसमें अगर आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है तो यू शुड होल्ड इट फॉर मोर देन थ्री इयर्स और फोर इयर्स और फाइव इयर्स अगर एक प्रोडक्ट आप आज जो है वो करोड़ रुपये की ले रहे हैं तीन साल बाद वो एक करोड़ पंद्रह की होती है एक करोड़ बीस की होती है तो अगर आप दो साल और उसको एक्सटेंड कर दें तो इट माइट गोज़ अप टू द फाइव मिलियन फाइव करोड़ रुपीज़ देखें अगर आज जो प्रोडक्ट है वो करोड़ रुपये की और पाँच साल बाद वो पाँच करोड़ रुपये की हो जाती है तो फिर भी वो एनुअली आपको जो है वो हंड्रेड परसेंट जो है वो रिटर्न देती है इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में दो साल बाद या तीन साल बाद जब तक मार्केट डाउन है तो आप उसको एग्जिट करके जो है वो छोड़ दें अभी इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंसिडर करनी चाहिए वो है कि आप एक ऐसी सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो बाय करें जिसमें पोटेंशियल हो और इट माइट नॉट गिव यू रिटर्न विद इन अ मंथ्स और वन ईयर और टू ईयर्स बट वेन एवर इट विल गिव यू रिटर्न इट विल गिव यू अ वेरी सॉलिड रिटर्न इसकी आप छोटी सी एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं कि अगर आप आज जो है वो एक दस मह का विला स्मार्ट सिटी में लेते हैं तो उसकी हार्डली वैल्यू जो है वो अराउंड टू पॉइंट फाइव करोड़ से तो थ्री करोड़ रुपीज़ है अभी आप पिंडे इस्लामाबाद में किसी भी सोसाइटी में देख लें कोई छोटा टाउन देख लें या कोई छोटा सा इलाका देख लें वहां पर दस मला घर की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज अराउंड थ्री पॉइंट फाइव करोड़ टू तो फोर करोड़ आज की डेट में अगर हम वही दो साल बाद देखें तो उसी घर की वैल्यू जो है वो अराउंड पाँच करोड़ छह करोड़ रुपीज़ होगी अगर आप आज की डेट में जो है वो एक रेजिडेंशियल विला लेते हैं वो ढाई करोड़ रुपए का कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंक्लूडिंग एवरीथिंग कॉस्ट ऑफ लैंड उसमें इंक्लूडेड है डेवलपमेंट चार्जेस उसमें इंक्लूडेड है प्राइम चार्जेस जो है वो उसमें इंक्लूडेड है तो इट इज अ वेरी रीजनेबल प्रोडक्ट ये चीज ऐसी आप चीज दे रहे हैं कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि आज से तीन साल बाद या चार साल बाद यही विला की जो वैल्यू है वो अराउंड छह करोड़ सात करोड़ पे की जो है वो वैल्यू पे होगी उसकी रीजन ये है कि आज से तीन साल बाद चार साल बाद जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट होगा गोल्फ कोर्स है वो हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट होगा काफी लोग जो है वो तब तक साइड पर जो है वो मूव कर जाएंगे हॉस्पिटल है वो रेडी होंगे स्कूल्स है वो रेडी होंगे यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑपरेशनल होंगी तो इससे आपकी मार्केट जो है वो बेहतर होगी आपकी प्रोडक्ट की जो है वो मार्केट जो है वो बेहतर होगी तो उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो आज अगर आप ढाई तीन करोड़ रुपए का लेते हैं तो आफ्टर टू ईयर्स और आफ्टर थ्री इट कैन ईजिली टच अराउंड सिक्स करोड़ सेवन करोड़ रुपीज एक छोटी सी एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी करंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी में क्या है तो यू शुड बाय विला अपार्टमेंट्स देखें अगर आप अभी पाँच मरला का विला अपार्टमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी में लेते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू अराउंड फोर्टी फाइव लाख टू इट गोज़ अप टू फिफ्टी फाइव लाख रुपीज़ जो पैंतालीस लाख से लेकर पचपन लाख के, के दरमियान में आपको पाँच मरला का जो है वो विला अपार्टमेंट मिल जाता है अगर हम आज की करंट मार्केट सिचुएशन देखें तो किसी भी अच्छी सोसाइटी में डी एच ए बैरियर टाउन गुलबर्ग कहीं पर भी आप वन बेड का अपार्टमेंट लेते हैं तो इट इज़ अराउंड अस्सी लाख रुपये नब्बे लाख रुपये के करीब जो है उसकी मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे आपको थ्री बेड का जो है वो विला अपार्टमेंट जो है वो चहान डैम और लामायर के बिल्कुल करीब जो है वो अराउंड से फोर्टी लाख से लेके 55 लाख के दरम्यान में जो है वो मिल जाता है जहाँ के वही प्लॉट वही फ्लैट जो है वो, वो अप, आपको बैरिया में डी में गुलबर्ग में अराउंड 80 लाख 90, 90 लाख रुपीज मिलता है जिसकी लोकेशन भी जो है वो बहुत इतनी अच्छी नहीं होगी वो एट फ्लोर नाइन्थ फ्लोर पर जो है वो होगा और ये बिल्कुल चहान डैम और लमायक के बिल्कुल साथ जो है वो लोकेटेड है तो आप इस तरह की प्रोडक्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें जिसमें पोटेंशियल हो कि अगर आप एक आज प्रोडक्ट जो है वो 45, 50 लाख की लेते हैं तो आफ्टर टू इयर्स और आफ्टर एनी ईयर इट विल गो इजीली अराउंड वन करोड़ रुपीज़ क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो पहले अगर दो हज़ार रुपये में जो है वो पर स्क्र फीट जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर कम्पलीट होता है तो ना इट इज़ अराउंड थ्री थाउजेंड थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर स्क्र फीट जो है वो अभी ग्रे स्ट्रक्चर का जो है वो रेट है तो इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे पहले आप चीज़ जो देखें वो दैट इज़ कि जो प्रोडक्ट आप बाय करें उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल हो कि आपको बेशक वो शॉर्ट टर्म में रिटर्न ना दे लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उसमें इतना प्रोडक्ट में जो है वो पोटेंशियल हो ताकि आपको वो मैक्सिमम जो है वो रिटर्न दे सके इसकी थर्ड एग्जाम्पल जो है मैं आपको कोट करूँ तो यू शुड बाय कमर्शियल प्लॉट जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के फर्स्ट रेट के कमर्शियल प्लॉट्स आए थे फोर मल्ला के और एट मल्ला के जिसमें चार मल्ला कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू जो है फिफ्टी सिक्स लाइक थी और आठ मल्ला कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू एक करोड़ बारह थी वो आपको जो है वो बाय करने चाहिए अभी वो सबसे लो रीन प्रॉफिट पे जो है वो आए हुए हैं चार मला कमर्शियल प्लॉट अराउंड 15 लाख 20 लाख 25 लाख प्रॉफिट में जो है वो आपको मिल जाता है जबकि आठ मला का जो कमर्शियल प्लॉट है इट गोज़ अराउंड 40 लाख टू तो 80 लाख प्रॉफिट तो अगर आप उसके में डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड कर लें फॉर एग्जाम्पल अगर आप आठ मल्ला में देखें तो वो राउंड अबाउट आपको दो करोड़ से तीन करोड़ की वैल्यू में जो है वो आज की डेट में पड़ता है आप किसी भी सोसाइटी अच्छी सोसाइटी के साथ उन प्राइसेस की जो है वो कंपैरिजन कर लें डीएचए बहरिया टाउन गुलबर्ग वहाँ पे आठ मला का जो कमर्शियल प्लॉट है इट गोज़ अराउंड दस करोड़ से लेके पंद्रह करोड़ की इसकी जो है वो मिनिमम वैल्यू है तो अगर आप आज एक प्रोडक्ट जो है वो तीन करोड़ रुपये की लेते हैं और उसको पाँच साल जो है वो होल्ड करते हैं और अगर पाँच साल बाद वही वैल्यू जो है वो पंद्रह करोड़ में पहुंच जाती है तो वो फिर भी आपको एनुअली जो है वो हंड्रेड परसेंट का जो है वो रिटर्न देती है उसमें आप इन्फ्लेशन निकाल लें डिवेल्यूशन ऑफ़ करेंसी निकाल लें फिर भी आपको जो है वो एनुअली जो रिटर्न बचता है दट इज़ अराउंड सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इस वीडियो में दैट इज कि जब भी आप प्रोडक्ट बाय करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड सी कि जो प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूं उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो बेशक मुझे दो साल में रिटर्न ना दे लेकिन अगर मुझे चार साल में वो रिटर्न दे तो मुझे कितना अच्छा जो है वो रिटर्न दे सकती है प्रोडक्ट की कि कितना पोटेंशियल है फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज जो है वो गुलबर्ग में जाके दस मरल का जो है वो प्लॉट बाय कर लेते हैं दो करोड़ रुपए का तो उसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं है कि वो और अप्रिशिएट कर सके लेट्स सपोज वो आज से चार साल बाद ढाई करोड़ रुपये का चला जाएगा दो करोड़ चालीस का चल जाएगा लेकिन अगर आप आज जाके किसी अच्छी जगह पर जो है वो वस मला का प्लॉट फिफ्टी लाख का फिफ्टी सिक्स लाख का जो है वो सिक्सटी लाख का जो है वो लेते हैं तो आफ्टर फाइव ईयर्स इट विल बी अराउंड थ्री करोड़ रुपीस तो वो फिर भी आपको जो है वो सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट जो है वो रिटर्न देगा मैं हमेशा कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो है वो टॉप सिटी के साथ जो है वो कंपैरिजन करता हूँ कि टॉप सिटी की मार्केट 2017 2018 तक जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे थी उसमें कोई भी बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं था लेकिन अगर आप वहीं पर देखें जहां पे दस महिला का प्लॉट वो लाख लाख रुपए का था वही प्लॉट जो है वो दो करोड़ रुपए का है लेट सपोज अगर किसी ने 2017 में हजार 18 में वो जो है वो लाख का प्लॉट ले लिया इयर्स इट इज गिविंग अराउंड सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट रिटर्न जो है वो आपको रिटर्न दे रहा है सेम गोज फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो कमर्शियल राइट है अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें इतना पोटेंशियल है कि विद इन नेक्स्ट थ्री टू फोर ईयर्स वो आपको फोर हंड्रेड परसेंट फाइव हंड्रेड परसेंट का जो है वो रिटर्न दे सके क्योंकि प्रोडक्ट में जो है वो जाना है एक सोसाइटी जो है वो उसमें जाना है क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं यूनिवर्सिटीज बन रही हैं स्कूल्स ऑपरेशन हैं विलस जो है वो ऑपरेशन है पार्कस ऑपरेशन हैं तो बहुत सी नई चीज़ें जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी लेके आ रही है जिससे आपकी मार्केट में आपकी प्रोडक्ट में जो है वो चांसेज है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो विद इन फ्यू ईयर्स जो है वो अप्रिशिएट करेगी सो व्यवर्स दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग या इंस्टॉलमेंट्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड डू विजिट अर वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मकान सोल्यूशन डॉट कॉम अगली वीडियो तक तो इजाजत दीजिएगा शारे सीमा को अला हाफिज